हाय एवरीवन, वेलकम टू भाई गाई माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का 5:30 बज रहा है और हम लोग निकल रहे हैं अभी घर के लिए दिल्ली से। तो अगर वीडियो में नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और रेड कलर के आइकन को प्रेस कर लेना। पूरा बैग वैग पैकिंग हो गया है, अभी गाड़ी कुछ ही पल में आने वाला है तो हम लोग रेडी हो गए हैं, देख सकते हो। और एक दोस्त दोस्त है यार, इसका अगले महीने क्लियरेंस है तो इसको छोड़ के जा रहे हैं। मोटा भाई को सो रहा है अभी, गहरी नींद में है, बी शिफ्ट करके आया है। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहेगा, दिखाते हैं लास्ट तक आप लोगों को। तो फाइनली हम लोग कार में बैठ गए हैं और यहाँ से डायरेक्ट निकलते हैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए। तो रेलवे स्टेशन से हम लोग निकलेंगे रांची के लिए, ये करने का मतलब रांची के लिए। तो अभी हम लोग बैठ गए हैं कार में, निकल चलते हैं। वीडियो पे कंटिन्यू बने रहेगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है आज का ब्लॉग। बस अभी तक रात ही है यार, सुबह हुआ ही नहीं है। आप लोग देख सकते हो कितना अभी लाइट की प्रकाश बस दिख रहा है और बाद बाकी अंधेरा अंधेरा। मजा आएगा आज के ब्लॉग में। कुछ खाए भी नहीं यार, तो फाइनली गए हम लोग पहुंचने वाले हैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। इसके बाद देखते हैं, काफी भीड़ भड़ाका है, सुबह सुबह का टाइम था तो ट्रैफिक वफिक लगा है नहीं, देख रहे हो रोड पूरा खाली खाली है। तो इसीलिए हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए, वैसे ही लेट ही निकले थे यार। सोचे थे हम लोग इतना टाइम तक निकल जाएंगे लेकिन टाइम हो ही जाता है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेन खड़ी है, काफ़ी भीड़ है यार। भाई मैं तो थक गया यार, इतना तीन तीन बैग सभी का, दोस्त का कुछ ज़्यादा ही था। तो चलिए अब कोई नहीं पहुंच गया, अब ट्रेन यहाँ से निकलेगा 8 बजे। तो हम लोग अंदर चलते हैं, उसके बाद निकलेंगे। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों यार, तो अभी के सुबह के 4 बज रहे हैं, हम लोग पहुंचने वाले हैं अभी जस्ट रांची रांची पहुँचने वाले हैं। उसके बाद यहाँ से निकलेंगे बस। तो यार आज रात में हुआ क्या पता है कि रात में यार ब्लॉग व्लॉग बनाया, तो अभी सुबह के 4 बज गए हैं और हम लोग आए कल अभी हम लोग रांची से बस से हम लोग को 6:30 या 7 बजे तक वहाँ से हम बस से निकल जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो का घंटी में बने रहे हैं लोग पे, आप कहाँ कहाँ से होके आएंगे जरूर दिखाऊंगा ब्लॉग को, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है आज का ब्लॉग। अभी तो ट्रेन में जस्ट आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो यहाँ अभी तो काफ़ी अंधेरा है, पता नहीं कहाँ पे है अभी, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। दिखाता हूँ अभी बाहर का नज़ारा, तो यहाँ पे अभी ट्रेन स्लो हो रही है तो उनके भी बाइक रुक जाएंगे, देखते हैं आगे शायद प्लेटफॉर्म होगा। तो भाई खाली खाली है अभी, कोई बंदे नहीं है, बहुत लोग सो रहे, खाली हो गया रात को ही यार, बंदे पूरा खट्टा खट भरे हुए थे, अब तो निकल गए पता नहीं कब चला गया, मैं तो सो गया। चलो कोई नहीं, बहुत ज़्यादा नींद आया यार। तो भाई देख सकते हैं हम लोग अभी पहुँचे हैं यहाँ पे, नाम कोम करके कोई प्लेटफॉर्म है स्टेशन, वहीं पे ट्रेन रुकी हुई है अभी जस्ट। तो यहाँ से निकलेगी पता नहीं कितने टाइम, वीडियो पे बने रहेगा। धीरे धीरे चल रही है,
अभी हम जस्ट रांची पहुंचने वाले हैं कुछ ही टाइम बाद, 15 से 20 मिनट लगेगा शायद। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहेगा, बोलो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो भाई हम लोग पहुंच गए अभी रांची रेलवे स्टेशन, पूरा लगेज उगेज उतार लिया। यह है अम्बू, उतर गया है। यह हम लोग का सामान, इतना सारा, इतनी सारी बाइक, 10-3 बंदे की। तो अभी देखते हैं ले जाएंगे। हाँ भाई बस स्टैंड जाएंगे यार। जसपुर, जसपुर दो जाने, 3 बंदे, 3 आदमी हो जाएगा। चलिए कितने लोग हैं, कहाँ का बस है? मतलब जसपुर ITI से पकड़ना पड़ेगा दादा, ठीक है ना? हाँ ITI या फिर कादगड़ा से। कादगड़ा से नहीं मिलेगा जसपुर के लिए दादा? अभी नहीं मिलेगी जसपुर, देखिए अलग हो जाता है। यहाँ से गुमला तक किले मिलती है, इधर से जाने क्यों नहीं मिलेगा भाई? अरे मिलेगा, 100 रुपये करके दीजिएगा, कहाँ दिक्कत है? सामान उमान चाहिए सही है, 100 रुपये करके दीजिएगा। 100 रुपये करके मतलब 100 रुपये करके। तो अभी हम लोग बैठ गए बस में रांची में, यहाँ से निकल रहे हैं जसपुर के लिए। यार पहुँचे तो 5 बजे थे, लेकिन पता नहीं बस वाले ने क्या बोल के क्या कर रहा है, पता नहीं यार, कब पहुँचेंगे। ब्लॉक पे बने रहिएगा। यह बस रांची में, भाई केला खा रहा है अभी, हाय कर दे। तो देखते हैं घर कितने टाइम तक पहुंच जाएंगे, शाम तक पहुंच ही जाएंगे शायद। वीडियो पे बने रहेगा कंटिन्यू। फाइनली हम लोग निकल गए हैं रांची से जसपुर के लिए। तो अभी हम लोग को जसपुर पहुंचने के लिए कम से कम 2.5 घंटा लगेगा। तो बोलो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, आप लोग कंटिन्यू देखते रहिएगा, कहाँ कहाँ पहुँचेंगे बताते रहेंगे। तो भाई यहाँ पे हम फाइनली जसपुर पहुँचने वाले हैं, यहाँ से गुमला से ही बहरो होते हुए। अब ओके हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं जसपुर। तो हम लोग पहुँच गए जसपुर बस स्टैंड। तो जसपुर बस स्टैंड से ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी बड़ी है। ये रहा जसपुर का बस स्टैंड। तो जसपुर का बस स्टैंड से जसपुर पहुँच के अब हम यहाँ से भी डायरेक्ट निकलते हैं जसपुर से। आप लोगों को ये रहा लोरो, और जसपुर से भी निकल गए डायरेक्ट में जा रहा हूँ। अब राइट डेरा के लिए मेरे को एक आधा घंटा से बस तो मिला ही नहीं, तो मैं अभी निकल गया हूँ। मैं भाई को बुलाऊँगा, मैं वहाँ से बस नहीं पकड़ूँगा, भाई को बुला लूँगा। तो देख सकते हैं या लोरो घाट, कई बार लोरो घाट का नज़ारा भी देख लो, काफ़ी शानदार नज़ारा है। यार काफ़ी दिन बाद आया तो रोड बन गया, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। मज़ा आ रहा है ना आज का ब्लॉग, देख सकते हो। वैसे बस में शूट कर रहा हूँ यार, इतना अच्छा खासा आएगा नहीं। और ऐसी जगह पर बैठ गया था कि मुझे शूट करते भी नहीं बन रहा। यहाँ पर आराम से सुनो सुनो उतार रहा है कार को, देख लो कितना भयंकर मोड़ है यहाँ पे लोहा घाट का, खतरनाक मोड़। पहले यहाँ पे इसे बना नहीं था, जब भी मैं जस बुलाता था तो एक नए गाड़ी यहाँ पर फंसा हुआ रहता था, लेकिन अभी ज़बरदस्त बन गया, बहुत कम ही फंसने का चांस है। पहले ऐसा कुछ था ही नहीं यार, अब तो चटाक चक बनाने हैं रोड हाईवे, नहीं करते हैं इतना खतरनाक भयंकर मोड़ है यहाँ। तो भाई मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा और एक वन क्या बोलते हैं बाघ को जंगल को भी दिखाऊंगा आप लोगों को।
मजा आएगा आज का ब्लॉग का, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है फिर भाई देख सकते हो। लेकर घर तक कराची से दिल्ली से लेकर घर तक का ब्लॉग है ना, इसलिए बहुत ही ज़्यादा लंबा। तो ये है बादल को लेकर देर तक बात, अगर कुछ बहुत लोगों को पता होगा कि बादल को लेने वाले कई लोग आए हैं, जो नहीं आए हैं उन लोगों को दिखा दे रहा हूँ। बड़ा मनोती वगैरह थोड़े बड़े जाम और पता नहीं, लेकिन आप लोग को इस रास्ते में यहाँ पर दिखाना पड़ रहा। तो भाई मैं भाई को बुलाया हूँ लेने के लिए आएगा यार, काफ़ी रात हो जाएगा मेरे को पता है। तो फाइनली मैं घर पहुँच गया हूँ। तो यार काफ़ी रात हो गई तो मैं वीडियो बना नहीं पाया हूँ। तो भाई पता है आप लोगों को मैं निकला था 16 तारीख रूम से 5:30 बजे से, तो आज 17 तारीख को अभी शाम को पहुँचा हूँ घर। तो ब्लॉग मैं बना नहीं पाया, बता दे रहा हूँ आप लोगों को यार, काफ़ी रात हो गया आते आते। तो आई होप आज का ब्लॉग कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर कर देना। तो वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं क्योंकि कल होली है, आप लोगों को होली की दहन वाला वीडियो भी देखने को मिल जाएगा, होली वाला नेक्स्ट वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो करते हैं वीडियो को यहीं तक एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, एक मज़ेदार वीडियो पे होली वाला।